भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 25 अक्टूबर से सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यात्री को निर्धारित यात्रा से पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। यात्रा से 72 घंटे के भीतर आयोजित एक COVID-19 RT-PCR नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट भी अपलोड करना होगा। यात्रियों को अपने RT-PCR रिपोर्ट के बारे में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना जरूरी होगा। यदि रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। मोबाइल उपकरणों में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आवश्यक है। साथ ही एयरलाइंस केवल उन्हीं यात्रियों को बोर्ड करने की परमिशन देगा जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है। थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद ही यात्रियों को फ्लाइटों में बैठने की अनुमति जो एयरलाइंस है वो देंगी। यदि आप टीकाकृत हैं फिर भी आपको बुखार जैसे लक्षण हैं तो आपको बोर्डिंग से रोका जा सकता है। इसके अलावा यदि आप जोखिम वाले देशों से भारत आ रहे हैं तो आपको अतिरिक्त उपायों को पालन करने की आवश्यकता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आप भारत आते हैं तो भारत आने के बाद भी आपको पोस्ट कोविड टेस्ट सबमिट करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार के नए यात्रा गाइडलाइंस के अनुसार पूरी तरह से वैक्सीनेटेड यात्रियों को ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी और उनके घरेलू संरोध के गुजरने की आवश्यकता अब नहीं होगी और केवल उन्हीं टीकों को मान्यता दी जा रही है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा परमिशन मिली हुई है। जिन यात्रियों ने कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाया है या फिर आपका वैक्सीनेशन अधूरा है कि आपने केवल एक ही डोज ली है, ऐसे यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए एक और रैपिड एंटीजन टेस्ट देना होगा। भारत सरकार ने कहा है कि दुनिया भर में बढ़ते टीकाकरण कवरेज और महामारी की बदलती प्रकृति के मद्देनज़र भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के मौजूदा दिशा निर्देश की समीक्षा की है और इसमें समय समय पर बदलाव भी किया जाएगा।